तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की चीफ वाई शर्मिला को हिरासत में ले लिया। वाई शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है। उनके भाई वाईएस जगन मोहन रेड्डी अभी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। दरअसल शर्मिला टीएसपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक केस के सिलसिले में एसआईटी दफ्तर जा रही थी। पुलिस उनके घर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लेना चाहती थी। पुलिस ने उनकी गाड़ी को गेट पर ही रोकने की कोशिश की। इस दौरान एक अफसर और कुछ कांस्टेबल शर्मिला की गाड़ी के सामने खड़े हो गए। शर्मिला ने अपने ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को कहा। रोकने के बावजूद ड्राइवर गाड़ी बढ़ाने लगा। इसके बाद नाराज पुलिस अधिकारी ने ड्राइवर को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। इस पर शर्मिला भड़क गई और अपनी सीट से उतरकर बाहर आई और पुलिस अधिकारी से भिड़ गई। दोनों के बीच पहले बहस हुई और इसके बाद शर्मिला ने पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। अफसर के आदेश पर लेडीज कांस्टेबल ने शर्मिला को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में शर्मिला अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठी नजर आ रही हैं और महिला पुलिसकर्मी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान शर्मिला अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा करती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।